प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहकर कांग्रेस पर वार करते हैं कि पहले की जो सरकार थी यूपीए सरकार नीतियों को अटकाने लटकाने भटकाने का काम होता था, पॉलिसी पैरालिसिस के हालात बने हुए थे। एबीपी न्यूज आज इसी को लेकर एक बड़ा खुलासा आपको दिखाने जा रहा है और खुलासा ये कि यूपीए सरकार में लटकी रही निर्यात की फाइल, मिसाइल निर्यात नीति को लेकर असमंजस की स्थिति रही, ब्रह्मोस टीम का फिलीपींस दौरा रोका गया, पॉलिटिकल क्लियरेंस ना होने का हवाला दिया गया, पॉलिसी नहीं होने की वजह से निर्यात में देरी। तो ये जो खबर है इस पर आगे चर्चा करेंगे हम, लेकिन पहले जरा एक बार फिर से वही वीडियो दिखाते हैं आपको। बेहद सनसनीखेज वीडियो है और इस वीडियो को देखकर एहसास होता है कि देखिए जरा कितना कम फासला जिंदगी और मौत के बीच, बाल बाल बची 7 लोगों की जान। केदारनाथ की ये तस्वीरें हैं, हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं जो पहुंच गया था बिल्कुल हेलीपैड के नजदीक, लैंड करने ही वाला था, चंद सेकंड के फासले पर था कि तभी ये गड़बड़ी, और इस गड़बड़ी की वजह से कैसे क्रैश लैंडिंग हुई है हेलीकॉप्टर की, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। एक तो पायलट जो उड़ा रहे थे इस हेलीकॉप्टर को और उनके साथ 6 यात्री इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि गनीमत रही सभी की जान बच गई। हादसा बड़ा हो सकता था, भीषण हो सकता था। ये वजह क्या रही इस हादसे की, अभी पुख्ता तौर पर औपचारिक तौर पर तो कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये मशीन मिसबिहेवियर, ये किसी न किसी तरीके की कोई तकनीकी दिक्कत जो आई है, और अगर ये तकनीकी दिक्कत थोड़ी देर पहले आई होती तो बहुत मुमकिन है कि ये हादसा बहुत भीषण हो जाता। और यहाँ पर भी क्योंकि बिल्कुल लैंडिंग के नज़दीक जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर था उस वक्त ये तकनीकी खराबी होते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है, इसीलिए ज़मीन से जो इसका फासला था हेलीकॉप्टर का वो बहुत कम था, इसीलिए ये जो क्रैश लैंडिंग हुई है इसकी वजह से किसी तरीके का कोई बड़ा जानी नुकसान कम से कम नहीं हुआ इस हादसे में। हवा में अटकी रही सांसें, बाल बाल बचे सभी सवार। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं संजय से और क्या जानकारी मिल पा रही है संजय अभी इस हादसे को लेकर जिसमें बाल बाल सभी सवार की जान बच गई है। रोमाना जांच पड़ताल की जा रही है, संबंधित कंपनी जो है इसका ये जहाज था उसके लोगों से बात की जा रही है। युकाडा जो उत्तराखंड की सिविल एविएशन की कंपनी है वो उसके अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और सारी जो बारीकियां हैं उसको समझ रहे हैं। पायलट से बातचीत की जा रही है, जो उस हेलीकॉप्टर में सवार यात्री थे श्रद्धालु थे उनसे बात की जा रही है। ये समझा जा रहा है कि आखिरकार तकनीकी खराबी क्या आई और क्यों आई, जबकि सुबह ये हेलीकॉप्टर जब हेलीपैड से उड़ा था सिटी से तो उस वक्त जितनी जांच पड़ताल की जानी चाहिए थी, जो टीम उनकी हेलीकॉप्टर का रखरखाव करती है उसने उसकी रखरखाव किया या नहीं किया, उड़ने से पहले जो सावधानियां बरती जाती हैं, ये कुछ पता चल पा रहा है कि आज के दिन का ये इस हेलीकॉप्टर का कौन सा फेरा था, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? रोमाना लगभग 6:30 बजे के आसपास से ये फेरा शुरू होता है और अगर मौसम नहीं खराब होता है तो ये सर्विस निर्बाध रूप से सूर्यास्त तक चलती रहती है। सनसेट के बाद में ये सर्विस रोकी जाती है और सनराइज के पहले भी ये सर्विस नहीं चलती है और स्थिति ये होती है। रोमाना मार इतनी ज्यादा है केदारनाथ के लिए कि अगले कई महीनों की एडवांस बुकिंग हेलीकॉप्टर की अभी से होके रखी हुई है। यात्रियों का लोड बहुत ज्यादा होता है और ऐसे में एक आशंका ये भी हो सकती है कि हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस जिस तरह से किया जाना चाहिए होगा वैसा नहीं किया गया होगा। बहरहाल जो भी तथ्य है वो जांच पड़ताल के बाद सामने आएंगे और उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार ये तकनीकी दिक्कत आई तो क्यों आई। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए संजय त्रिपाठी। तो केदारनाथ में ये हेलीकॉप्टर हादसा जिसमें बाल बाल बची सभी सवारों की जान, 6 यात्री थे और 1 पायलट, सभी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और आइए अब रुक कर लेते हैं वो बड़ी जानकारी जो एबीपी न्यूज़ पर हम आपको दे रहे हैं आज सुबह से। ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात में यूपीए सरकार में देरी हुई, इसको लेकर एबीपी न्यूज़ ने खुलासा किया। डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन है जी सतीश, उनका कहना है मोदी सरकार बनने के बाद रक्षा क्षेत्र में बड़ा फर्क पड़ा है, सुनिए। After the Prime Minister Modi has taken over, first the thrust on indigenous manufacturing with the clarion call of Make in India made the difference. The indigenous manufacturing has started. Even
many of the joint ventures which have come also started manufacturing the equipment here in the country. And the trust for indigenous systems through IDDM, indigenously designed, developed, manufacturing category, getting the highest priority, has started its impact. ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी पहली खेप इसी साल 19 अप्रैल को फिलीपींस पहुंच गई है। पीएम मोदी ने इसे सरकार की बड़ी कामयाबी बताया और पहले की सरकार पर निशाना भी साधा था। सुनाते हैं आपको 19 अप्रैल को पीएम मोदी ने क्या कहा था। कांग्रेस की सरकार अगर रही होती तो भारत में बना तेजस फाइटर प्लेन भी आसमान की बुलंदियां नहीं देख पाता। ये भाजपा सरकार है जो हमारी सेनाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। इस साल ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना, इसी समय हमारा ब्रह्मोस मिसाइल विदेश जाने के लिए, सप्लाई के लिए, डिलीवरी के लिए थोड़ी देर में चल पड़ेगा। इस मिसाइल का पहला बैच आज फिलीपींस जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।